सबको नमन, जितने भी उनके ध्वज वाहक रहे सभी को नमन करता हूँ। और समय कम है, बात को बात से जोड़ते हुए जो ऊपर विषय लिखे हुए हैं उन पर अपनी बात रखूंगा। भंते जी ने आदेश दिया था, मैडम बहन जी ने भी आदेश दिया था, गीत के माध्यम से बात रखूं। गीत आप सुनते रहते हैं, फिर आप यूट्यूब पे सुन लें, लेकिन बात आपको बहुजन समाज बचाओ पर हम क्या कर सकते हैं और कैसे बनाएंगे। हमने आज तक सोचा ही नहीं कि बहुजन समाज कैसे बनता है। बुद्ध ने आइडियोलॉजी दी थी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उसी बहुजन शब्द को लेकर आते 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 बाबा साहब से लेकर आप जानते कि आकाशवाणी के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं, आकाशवाणी का जो लोगो है उसमें लिखा हुआ है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बाबा साहब ने दिया था। इसका मतलब बाबा साहब बुद्ध की बात को लेकर चले थे। अकेला साहब की बात से बात जोड़ते हुए हम सर्जन पर आए, ये हमारे पतन का कारण हुआ। अब बहुजन समाज बनेगा कैसे? वही बात कि साहब ने कुर्मी को टिकट दिया तो कुर्मी का नेता बना। अगर मैं कुर्मी हूं मुझे वोट दिया तो मैं कुर्मियों में कहा गया और मैंने कहा कि मैं कुर्मी हूं और मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, आप सब वोट दें, तो कुर्मियों ने सबने वोट दिया, यानी चमारों के साथ कुर्मी का जुड़ गया। जब माली को वोट मिला, माली को टिकट मिला और माली का नेता बीच में आया तो उसने अपने समाज में जाकर कहा कि मैं माली हूं और मेरी बहुजन मेरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और तुम्हें मुझे टिकट देनी है और मैं यहां से चुनकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करूंगा। तो उन सबने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, तो चमार कुर्मी के साथ माली का वोट जुड़ा और प्रतिशत बढ़ता चला गया। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं बुद्ध की बात कराता हूं। बुद्ध ने कहा बहुजन इसको छोड़ दिया गया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्योंकि छोटा समय दिया गया है 2 मिनट, और मैं सोच रहा हूं कि 2 और चुरा लूं तो 4 हो जाएंगी और अपनी 4 मिनट में बात कह दूंगा। और जैसा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 कैटेगरी रखी गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जब ब्राह्मण अपने बेटे या बेटी की शादी करने जाता है तो शर्मा जी में शादी नहीं करते, वो भारद्वाज देखते हैं, मिश्रा देखते हैं, द्विवेदी देखते हैं, चुवेदी देखते हैं, क्योंकि वहां उनका रिश्ता टकरा जाता है, भाई बहन हो जाते हैं, उसका शादी कैंसिल हो जाती है। यही आइडियोलॉजी, यही सोच ब्रह्मी ने चलाई। अग्रवाल साहब की शादी बेटे की या बेटी की अग्रवाल में हो ही नहीं सकती, गुप्ता में होगी या जिंदल बिंदल में होगी। इसी तरह ठाकुरों में आया, ब्राह्मण क्षत्रिय में, वैश्य में, लेकिन शूद्र की शादी बहन भाइयों की शादी होती है, चमार की शादी चमार में होती है। आपने उनसे सीख नहीं ली कभी, जिस दिन आप ये सीख ले लेंगे उस दिन आप बहुजन समाज में जाएंगे। छोटा सा फंडा है, सभी लोग यहाँ बहुजन की बात करने आए हैं, बहुजन की बात करते हैं, यहां तक कि मैं अपने को भी ले रहा हूं, मैं भी गद्दार हूं और आप भी गद्दार हैं। बात बहुजन की करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब ने जाति तोड़ो किताब में लिखा, उनके सहयोगी संतराम बी ए मेरे पिताजी के भी सहयोगी रहे, ललित सिंह यादव जी मेरे पिताजी के सहयोगी रहे, सबने अपनी जाति को छोड़ा, लेकिन हम सब जाति को ढो रहे हैं। जिस दिन हम घर से निकलते हैं अपनी बेटे या बेटी की शादी करने के लिए, अगर हम जाति के कपड़ों को उतार के दरवाजे पर टांग जाएंगे तो कुर्मियों में बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, मालियों में बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, बाल्मीकियों में बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, लेकिन क्या कहते हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं मानते। बेटी को बर्बाद घर में झोंक देगा, सरावी के घर में झोंक देगा, लेकिन जाति की उस गंदी सड़ी जाति को पहने रखता है, कहता है कि नहीं मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। और जब लड़की भी परेशान रहती है तब सबको जाके सुनता है, तुम भी चलो, शराब पीता है मानता नहीं। तो जब तक आप जाति नहीं तोड़ेंगे, बाबा साहब ने किताब लिखी कि अंतर जातीय शादी करने से बहुजन समाज बन सकता है। क्या आप बाबा साहब से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा साहब ने 6000 जातियों को 4 बना दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी, और हमसे कह दिया कि जब मैं 6400 कुछ जातियों को 4 बना सकता हूं तो आप इतने सारे मिलकर इन 4 लोगों में 1 बना सकते हो। और अगर आप बहुजन समाज बनाना चाहते हैं तो आज यहां से प्रण करके जाएं। कौन कौन चाहते हैं कि बहुजन समाज बनाना, मुझे हाथ उठाकर ये बता दें। सब चाहते हैं, तो आज वादा कर लो कि बेटे बेटियां तुम्हारे होंगी भी
और मौजूद भी होंगी नहीं हो तो आगे होंगी कि अपनी शादी अपने गोत्र में अपनी जाति में नहीं करूंगा, अपनी सब कास्ट में करूंगा। अगर मैं चमार हूं तो चमार में शादी नहीं करूंगा, खटीक में ढूंढूंगा, खटीक भी ऐसी है। बाल्मीकि में ढूंढूंगा वो भी ऐसी है, धानक में ढूंढूंगा वो भी ऐसी है। हमारे बीच में डॉक्टर देशराज जी बैठे हैं, देशराज जी और हम काफी समय से काम कर रहे हैं, गवाह मैं हूं, आप मेरी रिपोर्ट ले सकते हैं। मैडम जी भी जुड़ी हैं काफी दिनों से कि हमने कभी चमारों को या जाटों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर कभी प्रेरित नहीं किया, बहुत है उनको कहने के लिए। लेकिन आप क्या कभी दूसरी कास्ट में गए? आप धानकों में गए? आप खटीकों में गए? आप प्रजापतियों में गए? लोग कहते हैं हमने बना रखी है। अभी मेरा एक साथी था एम के चौधरी, इंजीनियर है रेलवे में, कहने लगा शशि भाई नहीं जुड़ते। मैंने कहा तो एक बाबा संत गाड़गे नाम से संघ वो बना लो संघ। उसने संगठन बनाया संत गाड़गे महासभा, उसका शॉर्ट नेम रखा संगम। मैंने कहा अब हम यहां मिलकर कैडर देंगे, धोबी जुड़ेंगे, बहुजन समाज को बनाएंगे। इसी तरह से अगर हम जाएंगे मारियों में, धोबियों में, खटीकों में, बाल्मीकियों में, उनके छोटे छोटे संगठन बना के उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुजन समाज बन सकता है। और आज मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं आज इस प्रोग्राम का भी नाम रखा गया कि आयोजक कौन? समस्त बहुजन समाज। और आप मुझे यहां बता दें कि आप बहुजन समाज हैं नहीं, और यहां मैं कह सकता हूं कि आप 90% चमार समाज बैठा है, आप बहुजन समाज नहीं बना सकते, आप चमार समाज बना सकते हैं। क्या चमार समाज मिलके बहुजन समाज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यहाँ सबकी जितनी भागीदारी होती, पाली किसी परिवार में से कि अगर 5 को जबरदस्ती लाते कि शाम को पौवा पिलाऊंगा लेकिन सुनने जरूर चल, तो मैं कहता हूं अगर 5 में से 1.5% जरूर बदल कर जाता, लेकिन हम नहीं लाते। हमें नेता बनने का शौक है, समाज में काम करने का शौक नहीं है। हमें बातें करने का शौक है, काम करने का शौक नहीं है। आप कहें कि तुम भी भाषण दे रहे हो, मुझसे मेरा रिजल्ट ले सकते हो कि मैंने किन के साथ काम किया, किन के साथ काम किया। तो साथियों काम करें और लोगों के साथ भी जुड़े, जरूरी नहीं है कि चमार। एक मैं स्पीच सुनना था अकेला साहब ने, आप और हम एक प्रोग्राम में थे ग्वालियर, तो मैंने उनसे अपने प्रोफेसर साहब से 100 स्पीच साहब काशीराम की ली, और जब हम गाड़ी में जाते तो उन स्पीचों को लगाते और सुनते, तो साहब काशीराम एक स्पीच में कह रहे हैं कि यूपी के चमारों ने, महाराष्ट्र के महारों ने, बंगाल के चांडालों ने और तमिलनाडु के पेरियारों ने बाबा साहब को संकुचित कर दिया, अपने तक सीमित रखा, औरों को नहीं दिया। अगर घर जा जाकर वो भी उनको समझाते बाबा साहब तो उनको समझ आती। आपके 4 बेटे होते हैं तो 4 IAS PCS इंजीनियर नहीं बनते, एक जरूर पढ़ने लिखने में कम रह जाता है। तो ये हमारा समाज है, यहाँ सब हमारे भाई हैं, कोई पढ़ने लिखने में ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है, लेकिन बंटवारा सभी का होता है। तो बाबा साहब सभी के हैं, जितना हम अपने लोगों में काम करते हैं अगर दूसरों में करें तो हम बहुजन समाज बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे दिया है, और जिन जिन्होंने वादा किया कि हम बनाना चाहते हैं वो आज के बाद अगर अपने बेटी बेटी की शादी दूसरे समाज में करेंगे उपजाति में अपनी, तो वो बाबा साहब के सच्चे मानने वाले हैं, हम चाहते हैं बहुजन समाज बनाना। बाकी आप भी झूठे, मैं भी झूठा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, नमो बुद्धाय।